नमस्कार, मैं अरुण छाजिर। अगर हमने GSTR3B की टेबल 3.2 फिल नहीं की है तो कोई इश्यू हो सकता है? आंसर इज बिग यस, डेफिनेटली इश्यू हो सकता है। इट मे अट्रैक्ट द पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 अप टू ₹25,000। सर, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। टेबल 3.2 था क्या? टेबल 3.2 था, आउट ऑफ द सप्लाई सोन इन 3.1.A अबाउ डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन, डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, UIN होल्डर एंड कंपोजिट डीलर। तीन अलग अलग कैटेगरीज में अगर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई की है, मुझे वो डिटेल 3.2 में दिखाने की रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, सर 3.2 फिल नहीं किया मैंने और मैंने GSTR1 की रेस्पेक्टिव टेबल को प्रॉपरली फिल कर दिया। रेस्पेक्टिव टेबल मतलब कि सर, जैसे मान लो अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूं, अनरजिस्टर्ड कहां पे आता है? सर, या तो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो GSTR1 की टेबल 5 में, और अगर उससे कम है तो कहां पे आएगा? सर, टेबल 7B में ऑफ GSTR1, वहां पे मैंने प्रॉपर फिल कर दिया, पर 3.2 में फिल नहीं किया। प्रॉब्लम है बिकॉज डिपार्टमेंट ने रिसेंट सर्कुलर में ये क्लेरिफाई किया है। आइए सर, अब हम एक बार डिस्कस करते हैं वो सर्कुलर। ए रजिस्टर्ड सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ द इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू द अनरजिस्टर्ड कंपोजिट एंड UIN इन 3.2। डिटेल्स ऑफ ऑल इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहां पे इनवॉइस वैल्यू कितनी है 2.5 लाख तक है, उसे कहां पे देना है? टेबल 7B में, GSTR1 की टेबल 7B में देना है, करेक्ट। और अगर उससे ज्यादा है तो टेबल 5 में देना है। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट अपोर्शनमेंट ऑफ IGST कलेक्टेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट वेयर सच सप्लाई टेक प्लेस is based on the information reported in the table 3.2. वापस रिपीट करता हूं, डिपार्टमेंट का कहना है कि जो IGST का अपोर्शनमेंट होता है इंटर स्टेट सप्लाई को, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया गया है, वो 3.2 के बेस पर होता है। नॉन मेंशनिंग ऑफ द सच इंफॉर्मेशन रिजल्ट इनटू नॉन अपोर्शनमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट ऑफ द IGST टू द स्टेट, मिसमैच इन द क्वांटम ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्चुअली सप्लाइड इन द स्टेट एंड द अमाउंट ऑफ IGST अपोर्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड कंसिक्वेंट टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शंस 2 ऑफ IGST एक्ट। अकॉर्डिंगली इट इज इंस्ट्रक्टेड, डिपार्टमेंट ने यह इंस्ट्रक्शन दिया है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उन्हें टेबल 3.2 फिल करना जरूरी है एंड टेबल 7B भी फिल करना जरूरी है। अगर नहीं किया जाता है तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर अट्रैक्ट द पीनल एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CGST एक्ट। आई होप इट्स क्लियर। So, अगर पीछे वाले पीरियड में आप ये गलती कर रहे थे तो अब आगे से ये गलती बंद कर देना। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे YouTube पे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, मैं एट द अर्लीस्ट रिवर्ट करूंगा। टू मोर इन्फॉर्मेशन, एक तो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्ड में अगर बात करूं तो मैं फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप चैनल पार्टनरशिप कर रहा हूं अभी फॉर द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट। अगर उसके रिगार्ड में ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। मंथली बेसिस पे, सेकंड पॉइंट है, मंथली बेसिस पे मैं लाइव 3 to 4 hours का वेबिनार करूंगा जिसमें प्रीवियस मंथ के सारे अपडेट सारे चेंजेस का डिस्कशन होगा। मेरा फर्स्ट GST पेड वेबिनार, GST का जो वेबिनार है वो पेड बेसिस पे है, ₹1,000 फीस है, बट फर्स्ट टाइम ओनली 500 आई एम टेकिंग फॉर 3 hours ऑन सैटरडे 2 March 2019। उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।